घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। इतने अलंकार मैं आपको सिखा चुका हूँ, इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी टेक्निक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एक सवाल आप सभी के मन में उठता है, आप सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है और आप सभी मुझसे पूछते हैं और ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इन सब का रियाज करें कब, इतने सारे मटेरियल का रियाज करें कब, और क्या ये ज़रूरी है, क्या जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उन सब का रियाज करना है, या मैं इस लायक हूँ कि इस वाले अलंकार का या इस वाले पलटे का रियाज करूँ या नहीं करूँ, या अभी मुझे किस चीज़ का रियाज करना चाहिए, ये सारे अलंकार जो आप बता रहे हो, टेक्निक्स पैटर्न्स जो बता रहे हो, क्या इनका मुझे अभी करना है? मूर्छना का रियाज, मेरखंड का रियाज, गमक के अलंकार, आकार का रियाज के अलंकार, इन सब का रियाज क्या अभी मुझे करना है? और चलो मान लिया कि उस लायक मैं बन भी गया हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, गले से निकल रही हैं, तो सबका रियाज कैसे करूं और किसका कितना रियाज करूं, थोड़ा ज़्यादा, ये सवाल आप सभी के मन का रहता है। और सवेरे का रियाज जब आप करते हैं, मॉर्निंग रियाज, तो क्या इन सारी चीज़ों को तब मैं इंक्लूड करूं? और अगर करता हूं तो समय ज़्यादा हो जाता है, कैपेसिटी उतनी नहीं है गले की, गला मेरा 2 घंटा रियाज ही कर पाता हूं, है ना? अब उस 2 घंटे का जो विभाजन है वो मैं कैसे करूं? ये आपके सवाल हैं कुछ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट रियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ कब कितनी प्रैक्टिस करनी है, इसका अगर मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो चीज़ें छूटती जाएंगी और अधूरा रियाज होता रहेगा। ये सबसे ज़्यादा अहम बात है कि मैनेजमेंट कैसे करें। एक टेक्निक है मैनेजमेंट की जो मैं आपको समझाता हूँ। बड़े बड़े टारगेट्स नहीं बनाने हैं आपको, है ना, छोटे छोटे बनाइए। और छोटे छोटे टारगेट से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने डेली रियाज करना है, आपको डेली करना है, ये तो तय है, है ना, कि सवेरे का रियाज डेली करना है और दिन का और शाम का भी डेली करना है। दिन में भी आपको अलंकार, अपनी राग जो भी आप समय अनुसार जो कर रहे हैं वो, और शाम में भी जो कर रहे हैं वो आपको रेगुलर करना ही है। अब उसमें कब कितना क्या करना है वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे बांटते हैं उसे, कौन सा अलंकार कब करते हैं। सवेरे में आप ओम लगा लेते हैं, सा लगा लेते हैं, भैरव थाट में अलंकार कर लेते हैं, है ना, और जो स्वर विस्तार है उसको कर लेते हैं, जिसमें कि आपका खरज भी आ जाता है, आपका तार भी आ जाता है, आपका मध्य भी आ जाता है, तो वॉइस बैलेंस हो जाता है, है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही किसी सप्तक में रियाज कर रहे हैं, वॉइस बैलेंस बन जाता है। फिर क्या होता है, जो अलंकार आपको मैंने इतने सारे सिखाए हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे आपको एक के बाद एक करने हैं। मेरखंड भी उसी समय कर लिया, ये बल के अलंकार भी उसी समय कर लिए, गमक के अलंकार भी उसी समय कर लिए, नहीं, कुछ उस समय सुबह कीजिए, कुछ को दिन में कर लीजिए, कुछ को शाम के रियाज में इंक्लूड कर लीजिए, है ना, बांटना तो पड़ेगा ही ना आपको। और फिर दिन भी बांटिए कि कुछ दिन तक ये अलंकार का किया, फिर कुछ दिन उनका किया, है ना, जैसे बल के अलंकार हैं, गरे सम गरे पम वाला जो मैंने वीडियो दिया है, उन अलंकारों को हफ्ता भर कर लीजिए, फिर हफ्ते भर दूसरा वाला पैटर्न इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि सबको थोड़ा 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 करोगे तो असर नहीं होगा। नहीं, ये मत सोच लेना कि सब कुछ कर लूँ तो हो जाए, नहीं, एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना, एक को साधोगे तो सब सध जाएगा अपने आप ही, लेकिन सबको साधने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है,
ये सारे अलंकार एक साथ रियाज करने के नहीं है कि आप सोच लो कि सबको एक 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 बार कर लूं तो कुछ हो जाएगा। नहीं, एक को 100 बार करने से होगा, है ना। वो एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है और जो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही मोटिवेशन देता है। वो डायलॉग यूं है कि मुझे उन 10,000 मूव्स से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी हैं, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी हैं, है ना। तो ये बात है, कौन सी मूव, कौन सा अलंकार, कौन सी टेक्निक को आपने इतनी बार रियाज किया है तब जाके असर होता है। ऐसा नहीं होता सारी टेक्निक्स को एक 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 बार कर लेने से कुछ हो जाएगा, नहीं। ये अलंकार का रियाज तो मैं बताता जा रहा हूँ, पर मेरे मन में यही आया कि आप लोग यही सोचते होंगे और आपके सवाल भी आते ही हैं कि कब कितना कौन सा करें, है ना। और आपको पैटर्न तो पता ही नहीं है रियाज करना कैसे, आप बस इस चीज़ें सीख के नोट करके दिमाग में तो भर रहे हैं और एक एक बार उनको कर भी लेते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है, नया अलंकार आता है, आप वो पुराना छोड़ के उसको करने लग जाते हो। ये गलत है, मैनेजमेंट जो है बराबर होना चाहिए सबका, वरना रियाज नहीं करोगे वो सारी चीज़ों का तो वो चली जाएगी, है ना। अभ्यास के बिना जो विद्या है उसका विनाश हो जाता है। तो दिन में कर लिया, शाम में कर लिया, फिर कुछ हफ्ते तक उसको डिवाइड कर लिया, मेरे खंड को कर लिया, फिर उसके बाद एक हफ्ता आप करेंगे कि ये भाई अब मेरे को बल के अलंकारों का रियाज करना है, है ना। और कोशिश कीजिए अपने रियाज का, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ जाएगा आपका। फिर अभी 1 घंटे में गला आपका ऐसा हो जाता है, थोड़ा थक जाता है, तो गले में ऐसी चीज़ें करिए कि एकदम से आप पुश मत करिए गले को, धीरे 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 धीरे, मशीन की तरह। ऐसा नहीं कि गड़गड़ 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 एक बार में ही शुरू हो गए, नहीं, धीरे धीरे माहौल बनाइए, वार्म अप। पहले सिर्फ ओम और सा लगता है, दिन में और शाम में भी कर ले हो तो कम से कम 10-15 मिनट तो ओम और सा में निकालो, है ना, ताकि गला एक बार गर्म हो, वार्म अप हो जाए। एकदम से ही सारे गामा पधा नहीं, ससानी इस लय में अलंकार नहीं होता एकदम से। लय का भी ख्याल रखो, पहले मध्य में, फिर उसकी दुगुन, या पहले 1.5 गुन, फिर 2 गुन, फिर 3 गुन, 4 गुन, फिर वहां आ जाओ, उसके बाद गला ऐसा गर्म हो जाता है, उसके बाद आप एक के बाद एक धड़ाधड़ अलंकार 2-2 मिनट गाते हुए सबको, या सबको 5-5, 10-10 बार गाते हुए फिर करो, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखो, ये रियाज का पैटर्न होना चाहिए। एक बार में ही लय बनेगी तो गले में वो बात भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि गला गर्म होगा तब तो वो हरकतें पैदा होंगी ना। और धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको इसका क्या प्रभाव पड़ेगा गले पे, कि धीरे धीरे वो जो टाइम है ना वार्म अप का, वो आपका कम हो जाएगा, अपने आप आपको कम समय लगेगा वार्म अप करने में। अभी गले को वार्म अप करने में, यानी गर्म होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, कि आप सोचते हो यार इतना टाइम हो गया, अभी तो गला ही नहीं गर्म हुआ हमारा, अब आगे अलंकार क्या जोड़ें, इसमें पैटर्न्स क्या बनाए, है ना, कि अभी तो ठाह में ही उस अलंकार को कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो टाइम भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, अगर वो नहीं करी तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं हर बार मोटिवेट करता हूँ कि रियाज करते रहो, और अभी तो वक्त है आपके पास, कर सकते हो, है ना। वरना फिर आप सोचो कि मैं तो आर्टिस्ट बन गया, प्रोग्राम करने हैं मुझे, तो फिर वो सारी चीज़ों के असर नहीं होंगे। एक छोटी सी बात बोल के मैं इस वीडियो का एंड करूँगा, कि आज जो रियाज कर रहे हो उसका असर आज नहीं होगा, उसका असर बाद में होगा। और आज जो गला चल रहा है वो आपके पिछले रियाज का असर है। इसलिए रियाज निरंतर करते रहो, अभ्यास निरंतर करते रहो, है ना। आप क्योंकि अपना आज का रियाज आपका कल मजबूत कर रहा है, और आपने जो कल कर लिया था वो आपका आज मजबूत कर रहा है। तो कुल मिला के है तो वर्तमान ही, वही प्रेजेंट है आपका जो आपका पास्ट बनेगा, और वही प्रेजेंट है जो आपका फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट में जो रियाज है वो हमेशा बरकरार रखो, ताकि आगे कम भी कर पाओ कभी, तब भी वो असर उतना ही दे, है ना। ये भी एक चीज़ होती है रियाज की तासीर है, कि आज आपने ज़्यादा कर लिया है, आज बहुत मेहनत करी है, तो कल को कर वो 2 घंटा नहीं कर पा रहे हो, काम में व्यस्त हो, या प्रोग्राम में व्यस्त हो, या कुछ भी आपकी और कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है, तो तब कम मिलेगा वक्त, लेकिन उस कम में भी आप उतना ज़्यादा रियाज कर पाओगे, या आपकी कैपेसिटी बन जाएगी, इसलिए रियाज करते रहो, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का वीडियो, ऐसे ही और ऐसे ही मैं नए नई टॉपिक्स आप तक लाता रहूँगा। और इस बार कोई अलंकार नहीं बताया, पर करना कैसे है रियाज वो ज़रूर समझाया, ठीक है। धन्यवाद।